अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल लाइफ इन कैलगरी कनाडा में। माजरत के साथ कल की वीडियो नहीं आई क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी था। कल और काफ़ी चक्कर थे वो ख़त्म हुए, लेकिन ये कि आज हम बिल्कुल ड्राइव कर रहा हूँ बच्चों के साथ, जा रहे हैं कहीं, आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, वो दिखाते हैं आपको, ठीक है, आपको पसंद आएगी। और कैसे वो वर्क होता है यहाँ पे वो भी आपको बताएंगे, सारा कुछ, सारी डिटेल्स आपको अपडेट करेंगे उसमें भी। बाकी बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो कि पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं और यूके से, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हो। और बहुत सारों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि भाई हमारा नाश्ता नहीं होता जब तक वीडियो ना आए, ठीक है। तो ये आपके मोहब्बत है, आपका प्यार है, तो ऐसे ही बनाए रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं उससे अपडेट करते रहेंगे। बिल्कुल आए, अभी फ़िलहाल आपको लेके जाता हूँ मैं इंशाल्लाह जी। तो आज हम मौजूद हैं शो होम पे, ठीक है। यहाँ पे शो होम्स होते हैं, जो भी न्यू कम्युनिटी बन रही होती है, न्यू एरिया बिल्ड कर रहे होते हैं, उसके बायर जो है 2 से 3 घर मेन रोड के ऊपर जो है वो बना देते हैं ऑलरेडी, और उनको सेट कर दिया जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको सेट कर दिया जाता है और फिर उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर शो किया जाता है, और फिर आप उसको पसंद करते हैं अपने लिए और फिर उसको ऑर्डर देते हैं, और वो घर जो है आपको बेसिक और अपग्रेडेड मॉडल दोनों में अवेलेबल करते हैं। बेसिक का ये होता है कोई भी चीज़ उसमें जो होगी वो अपग्रेडेड में नहीं होगी, एक्सटेंडेड वो जो है वो वॉशरूम्स नहीं होते, एक्सटेंडेड विंडोज़ नहीं होती, जो किचन है वो भी बड़ा प्रीटी मच बेसिक सा होता है और अपग्रेडेड नहीं होता। ये जो शो होम है ये कम्प्लीटली अपग्रेडेड है, और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक कम्प्लीटली अपग्रेडेड शो होम जी। तो ये है शो होम, ये यहाँ से हम एंटर हुए हैं, और ये सामने जो है ये गराज बनता है वैसे, और ये गराज का डोर यहाँ पे लगेगा, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, और इसके बाद हम चलते हैं ये चेक करें। ये जो है ये डाइनिंग बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और शो होम में बेस्ट चीज़ जो है देखिए, एंटर होते ही बेडरूम, अगर आप पेट लवर हैं तो ये बेडरूम है यहाँ पे, आए आपको आगे दिखाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये जो डोर जा रहा है ये नीचे बेसमेंट को जाती है, ये आपको दिखाएंगे, और आपको दिखाते हैं ये चेक करें, ये ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे ये ऑफिस बना हुआ है उन्होंने, और ये एक वॉशरूम ग्राउंड फ्लोर पे, एक्चुअली फुल वॉशरूम है जो कि बहुत कम घरों में होता है, फुल वॉशरूम बना हुआ, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ उन्होंने। और ये आगे चलते हैं, आपको मैंने ऑफिस दिखा दी है, ये बेसमेंट की डोर दिखा दी, ये स्टेयर्स जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही है, बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ, बहुत ही प्यारा लिविंग रूम बनाया हुआ, और मज़े की बात ये है टाइल है, बहुत कम घरों में टाइल लगी होती है, फुली अपग्रेडेड मॉडल है ये, और काफ़ी बड़ी विंडो है, और मज़े की चीज़ ये है कि डोर बहुत बड़ी लगी हुई है जो डाइनिंग रूम में लगी हुई। किचन बेस्ट, किचन सबसे बड़ा, ठीक है, किचन बहुत अच्छा बना हुआ और फुली अपग्रेडेड है, ठीक है। यहाँ पे सारी आप जो है अपनी देसी कुकिंग जो कहते हैं ना वो कर सकते हैं, और उसी में आगे अंदर पेंट्री बनी हुई है, ये सामने देख रहे हैं, ये आगे पेंट्री बनी हुई है, और ये स्पाइस रूम हो गया आपका, किचन फुली अपग्रेडेड है, चलें आपको दिखाते हैं ऊपर वाला पोर्शन आगे। और हाँ ये ज़रा चेक करें, टेम्परेचर सारा डिजिटल है, डिजिटली कंट्रोल्ड होता है, आप टच करें ये ओपन हो जाता है, आप हीट एंड जो कूल जो भी आपने फैन करना है आप कर सकते हैं। हाँ ज़रा ऊपर देखते हैं, ओए होए होए होए, ये चीज़ चेक करें ज़रा, ये चाहिए घर में, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह बनी है, और इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं,
और एक और मजे की चीज चेक करें, ऑफिस यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ठीक है, ऑफिस स्पेस यहाँ पे भी दी हुई है उन्होंने अपने तौर पे, एक सेट करके रखा हुआ है, आप जैसे दिल है बना सकते हैं इसको। और एक और मजे की चीज इस घर में, जो कि काफी घरों में मैं देख चुका हूँ, स्पीकर्स लगे हुए सब जगह, ठीक है, आप एक जगह पे प्ले करते हैं हर जगह प्ले होगा। ये है जी मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम है ये, ठीक है, बहुत प्यारा बना हुआ, वॉशरूम इसका एंड है, हर चीज सेपरेट बनाई है घर में, आए जरा दिखाएं। और ये है शॉवर, टॉप लेदर सिंक दो, फॉर हिम एंड फॉर हर, ठीक है, और टॉयलेट चेक करें यहाँ बनाई सेपरेट, एक एक चीज सेपरेट बनी है। और ये चेक करें, मैं तो कहता हूँ बेड इधर भी लगा सकते हैं, एक अगर मैं मान आए तो बेड लगा सकते हैं यहाँ पे। आजे यस इट्स शॉवर, आजे आजे भाई, लेट्स गो। आगे आजे लॉन्ड्री जो कि अपस्टेयर्स है, बेसमेंट में लगा था, वो भी आपको दिखाते हैं। वॉशरूम जो कि अटैच नहीं होता, दो बेडरूम है उनका, ये वाला वॉशरूम है, एक बेडरूम राइट साइड पे, यहाँ पे ये एक बेडरूम है। और आ जाए आपको दिखाते हैं सेकंड बेडरूम, ये वाला सेकंड बेडरूम है साफ का, ठीक है, और ये वॉक इन क्लोजेट है यहाँ पे, और दूसरे बेडरूम में भी वॉक इन क्लोजेट है जो कि आयशा का। बेसमेंट आ जाए नीचे, ये बेसमेंट की बाहर की डोर है, मतलब बाहर से जिसने आना है, क्योंकि ये ऊपर से डोर लगेगी और ये बंद हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अगर आपने रेंट आउट करनी हो। वाओ, ये एक बेडरूम है जो आप देखने जा रहे हैं अभी, और आ जाए आपको किचन दिखाते हैं, नीचे वाला बेसमेंट का जो किचन है ये बना हुआ। एक बुरी चीज इसमें ये है कि इसमें विंडो नहीं है, ठीक है, मतलब लिविंग रूम में और किचन में विंडो नहीं है, ये क्लोजेट है यहाँ पे, ये इधर एक क्लोजेट बनी है इसमें, ठीक है। वॉशरूम काफी खुला बना हुआ है इसमें, और ये वाली चीज जो है स्टोरेज भी होती है, फर्नेस रूम है वैसे, यहाँ पे आप स्टोरेज रख सकते हैं। और एक ये बेडरूम है इसमें, दो बेडरूम्स हैं, लॉन्ड्री डाउन स्टेयर लगा है बेसमेंट में और ऊपर लगा हुआ है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा स्टोरेज है यहाँ पे, मतलब कोई भी आपका गंद बुलाए इसमें जाएगा। और एंडिंग करते हैं हम बहुत ही यम्मीलिशियस डिनर के साथ, ओए होए होए ज़बरदस्त, अभी अभी ओवन से निकला, ये चेक करें, ठीक है, ये चेक करें चीज़, ये चेक करें, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बना हुआ, और पास्ता बेक प्लस फ्राइज, यम यम यम। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।